ये डॉक्यूमेंट्री मापोगो नामक शेरों के एक झुंड की कहानी है, दक्षिण अफ्रीका के साबी सैंड इलाके की। शेरों के शिकार की कला और उनके सहवास को दिखाने के लिए कुछ अतिरिक्त फुटेज का भी इस्तेमाल किया गया है। कुछ दृश्य दर्शकों को विचलित कर सकते हैं। फिल्म मेकर्स और फील्ड गाइड्स पिछले 16 सालों से शेरों के एक परिवार पर नजर रखे हुए हैं और उस परिवार के शेर मशहूर हुए मापोगो के नाम से। उन्होंने उनकी बड़ी असाधारण हरकतें देखी हैं और इस दौरान मापोगो अपने नए इलाके की तलाश में निकले और उसकी खोज भी कर ली। जैसे ही उन्होंने अपने पहले इलाके पर कब्जा जमाया, तब से ही खूनी खेल शुरू हो गया था। इन 6 शेरों ने जितने बड़े इलाके पर कब्जा जमाया था, उतने बड़े इलाके पर पहले कभी कोई शेर कब्जा नहीं कर पाया। उनका तरीका ही बड़ा हिंसक था। वो अपने सामने आने वाले हर खतरे को खत्म कर देते थे। हमारा अंदाजा है कि उन्होंने साल भर के अंदर करीब 100 शेरों को मार डाला था। मापोगो जितने हिंसक और खतरनाक शेर बहुत कम ही होते हैं। उनकी कहानी में हमें शेरों के एक स्याह पहलू को देखने का मौका मिलता है और जीने के लिए उनके संघर्ष का भी। उत्तर पूर्वी दक्षिण अफ्रीका के साबी सैंड गेम रिजर्व की सरहद मिलती है क्रूगर नेशनल पार्क से। येलोस्टोन से 2 गुना ज्यादा बड़े क्रूगर में जंगली जीवों की कमी नहीं है और वो रास्ता सीधा साबी सैंड इलाके तक जाता है। जहां इतने शिकार हों, वहां शेरों की कमी कैसे हो सकती है? यहीं पर करीब 1 दशक के दौरान फिल्म मेकरों और फील्ड गाइडों ने मापोगो शेरों की जिंदगी का चरम देखा है। शेरों का परिवार स्पाटा तो कई पीढ़ियों से साबी सैंड में रह रहा है। सन 2002 में वो परिवार 10 बच्चों की परवरिश कर रहा था। उनमें से 5 शेर थे। बचपन में तो उनका कोई नाम नहीं था, लेकिन बाद में उन्हें नाम मिले, स्कार, प्रिटी बॉय, रास्टा, किंकी टेल और मिस्टर टी। ये छोटे भाई बड़े होकर मापोगो के नाम से मशहूर हुए। जब वो शेर काफी छोटे थे, तब मैं भी साबी सैंड में शेरों के बीच ही था और मुझे याद है कि उस वक्त भी स्पाटा परिवार में कई बच्चे थे। उस परिवार में 5 शेर थे तो मुझे याद है। हमने उन शेरों को तब से देखा है जब वो कुछ महीने के थे और उसी वक्त हमें अंदाजा हो गया था कि उनमें से कुछ बच्चे दूसरों से ज्यादा दबंग और उत्सुक हैं। वो नई नई चीजों के पीछे भागते थे, नए नए जीवों का शिकार करना चाहते थे, जबकि कुछ चुपचाप अपनी जगह पर पड़े रहते, थोड़े घबराए हुए से नजर आते और दूसरों को देख देख कर ही कुछ सीखने की कोशिश करते। उन सभी बच्चों में से मुझे सबसे अलग लगे थे दोनों सबसे छोटे भाई, मगर उनमें से भी एक कुछ ज्यादा ही दबंग था। वो बचपन से ही लीडर लगता था और उसके पीछे हमेशा उसका छोटा भाई तैयार रहता था।
उनकी वो जुगलबंदी तो बड़ी छोटी उम्र से ही नजर आने लगी थी। बाद में पता लगा कि वो जोड़ा है मिस्टर टी और किंकी टेल का। मापोगो परिवार के उन दो सबसे छोटे सदस्यों का सिर्फ वो रिश्ता ही उन्हें परिवार के दूसरे बड़े सदस्यों से अलग नहीं करता था। दोनों बच्चे बड़े ही खास थे। पूत के पांव तो पालने में ही नजर आने लगे थे। एक बार उस परिवार ने एक भैंसे को धर दबोचा। परिवार के एक बड़े सदस्य मपोगो के बाप ने उस लाश पर कब्जा जमा लिया। वो बेचारा उसकी लाश को पकड़े खड़ा था जबकि ये दोनों नन्हे शेर जल्दी जल्दी उसे खाने में जुटे थे। इससे यह भी पता लगता है कि दोनों बच्चे उस उम्र में भी कितने निडर थे। बाप अगर एक बार भी पंजा मार देता तो उनकी छुट्टी हो जाती। वो उस वक्त बहुत छोटे थे मगर उनकी हरकतों को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि उतनी बहादुरी दिखाने वाला या तो मिस्टर टी था या फिर किंकी टेल। जिन लोगों ने मापोगो बच्चों को छोटी सी उम्र में देखा था उन्हें उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि आने वाले दिनों में वो बेहद खतरनाक शेर साबित होने वाले हैं। जब वो पांचों भाई साथ में थे तब हम सभी मान चुके थे कि एक दिन वो जंगल पर राज करेंगे। आठ में से एक ही शेर वयस्क होने तक जी पाता है। एक स्वस्थ और बड़े झुंड की रक्षा ताकतवर शेरों की जिम्मेदारी होती है और जब उस झुंड में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे अपने पहले साल की मुश्किलों से लड़ने में आसानी होती है। हम शेरों के परिवार को शेरनियों की वजह से प्राइड कहते हैं। शेरनियां आमतौर पर जिंदगी भर एक ही इलाके में रहती हैं और उनकी बेटियां भी बड़ी होकर उसी परिवार को आगे बढ़ाती हैं। इसलिए शेरों का एक प्राइड कई दशकों तक बना रहता है। मगर शेर एक दूसरे के साथ दोस्ती करते हैं और अपना एक अलग संगठन बनाते हैं और वो अपनी जिंदगी में बहुत बड़े इलाके में घूमते हैं, इसलिए कई बार अपने जन्म की जगह से बहुत दूर भी पहुंच जाते हैं। मपोगो नाम से मशहूर हुए शेरों के बापों ने भी ऐसा ही एक संगठन बनाया था। वो वेस्ट स्ट्रीट के शेर थे और उन्होंने कई प्राइड्स पर कब्जा जमा लिया था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि वेस्ट स्ट्रीट के शेर बड़े अच्छे बाप थे। वो बड़े सहनशील भी थे। शेरों के बारे में आम विचार यही है कि वो कुछ खास नहीं करते, बस दिन भर पड़े रहते हैं, सहवास करते हैं और शेरनियों के शिकार खा जाते हैं। मगर मुझे तो लगता है कि एक प्राइड में शेर बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। वो अपने इलाके की गश्त लगाते हैं, बच्चों की हिफाजत करते हैं और शेरनियों की रक्षा करते हैं। किसी भी प्राइड के लिए शेरनियां बड़ी ही अहम होती हैं। वो पूरे परिवार को एकजुट रखती हैं। शेर तो आते जाते रहते हैं मगर शेरनियां कई पीढ़ियों तक एक ही परिवार से जुड़ी रहती हैं, जिससे शेरों का परिवार सामाजिक रूप से मजबूत बनता है। दुनिया में बड़ी बिल्लियों में शेर बहुत सामाजिक प्राणी होते हैं और जब वो साथ मिलकर काम करते हैं तब उनके परिवार से बेहतर कुछ और होता ही नहीं। वो सबसे दमदार होते हैं। स्पार्टा प्राइड में 10 बच्चे थे जिनमें से 5 नन्हे मापोगो भी थे। इतने बड़े परिवार के लिए शिकार भी बड़ा चाहिए, लेकिन स्पार्टा शेरनियों और वेस्ट स्ट्रीट के शेरों ने शिकार को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया था।
जब किसी बड़े शिकार की बात आती है तब शेर बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। वो इन बड़े और खतरनाक जीवों का शिकार करने में मददगार साबित होते हैं। एक जिराफ जितने बड़े जीव का शिकार करना शेरों के लिए भी आसान नहीं होता और उसकी वजह है जिराफ का कद। जिराफ की एक दुलत्ती भी एक शेर का काम तमाम कर सकती है। खतरा तो बहुत ज्यादा होता है मगर कामयाबी पर इनाम भी बड़ा मिलता है। अगर शेरनिया किसी बड़े जीव को दबोचने की कोशिश कर रही हो तब शेर भी उनका साथ देने आ जाते हैं। और वेस्ट स्ट्रीट के शेर भी अलग नहीं थे। एक वयस्क नर जिराफ का वजन करीब 1300 किलो तक होता है और उससे स्पार्टा प्राइड कई दिन तक अपना पेट भर सकती है। साबी सैंड जैसी जगह पर छोटे शेरों के लिए हर कदम पर खतरा मंडराता रहता है। जब मिस्टर टी और किंकी टेल काफी छोटे थे तभी मापोगो बंधुओं का उभरता साम्राज्य अचानक खत्म होने लगा था। सन 2003 में मापोगो बंधु यानी मिस्टर टी, किंकी टेल, रास्टा, प्रिटी बॉय और स्कार 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक के थे। उनका जन्म एक बड़े से दमदार परिवार में हुआ था जिसमें उनकी हिफाजत करने वाले शेरों का एक अच्छा संगठन था। उनकी माएं स्पार्टा प्राइड की शेरनियां बड़ी खतरनाक शिकारी थीं। स्पार्टा शेरनियों ने उन बच्चों को उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना सिखाया था, शिकार करना। शेर के बच्चे बहुत छोटी उम्र से ही शिकार करने की कला तराशने लगते हैं। वो अपने इलाके में रहने वाले हर जीव का पीछा करते हैं। फिर वो अपना हुनर तराशने के लिए अपने इलाके से बाहर निकलते हैं और हौसला बढ़ने के बाद वो अलग अलग किस्म के शिकार पर हमला करते हैं। कई बार तो ऐसे जीवों पर भी टूट पड़ते हैं जो उनका शिकार होते ही नहीं। मैंने उन्हें साही पर हमला करते देखा है और ये तो हनी बैजर से भी भिड़ जाते हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो शेर के छोटे बच्चे अक्सर करते हैं, जो सही तो नहीं होता पर इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और इसी तरह से सीख कर वो भविष्य में अच्छे शिकारी बन पाते हैं। मापोगो बंधुओं को तो भविष्य में ज्यादा बड़े और दमदार शिकारों का शिकार करना था, खासकर अफ्रीका के सबसे खतरनाक जीव जंगली भैंसों का। मैंने जंगली भैंसों का जो सबसे बड़ा झुंड देखा था उसमें करीब 1400 भैंसे थे। उसके अलावा भैंसों के छोटे बैचलर ग्रुप भी होते हैं जिनमें 15 से 20 भैंसे होते हैं और वो आमतौर पर नदी किनारे रहते हैं। ऐसे ही झुंड ज्यादातर शिकार बनते हैं। एक बड़े जंगली भैंसे का वजन करीब 900 किलो होता है, यानी एक औसत शेरनी के वजन से करीब 6 गुना ज्यादा और एक बड़े शेर से करीब 4 गुना ज्यादा। भैंसों के सींग मुड़े हुए और नुकीले होते हैं, वो शेरों को सींगों से बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। शेर
शेरों को भैंसों का शिकार करते देखना बड़ा रोमांचक होता है, लेकिन हर बार शेरों के घायल होने या मारे जाने की संभावना 50-50 होती है। आमतौर पर वो एक बार में एक ही भैंसे के पीछे भागते हैं, लेकिन अगर वो किसी अकेले भैंसे को पकड़ भी लेते हैं तो वो बहुत तेज शोर मचाता है और इस तरह से आवाज लगाकर वो अपने लिए मदद बुलाता है। उसकी गुहार सुनकर दूसरे भैंसे भी उन शेरों पर हमला करने आते हैं जो एक अकेले भैंसे को दबोचे रहते हैं। जरा सोचिए तब क्या हालत होगी जब भैंसों का पूरा झुंड टूट पड़े। हजारों हजार किलो के ये भैंसे बड़े ही आक्रामक तरीके से आतंक की दीवार की तरह शेरों पर टूट पड़ते हैं। मैंने देखा है कि भैंसों ने एक वयस्क शेर को हवा में उछाल दिया और वो दो गुलाटियां मारकर वापस जमीन पर आया। इतने खतरों के बावजूद ये नन्हे मपोगो बंधु इतने बड़े शिकार को ठिकाने लगाना तभी सीख पाएंगे जब ये खुद बड़ों के साथ शिकार में शामिल हों। शेर के बच्चे अपने परिवार से सबसे अहम सबक सीखते हैं। वो सीखते हैं कि आने वाले दिनों में वो कैसे किसी बड़े शिकार को दबोच सकते हैं और इसके बाद ही वो बड़े होने पर ज्यादा दमदार और स्वस्थ भी होते हैं। स्पार्टा प्राइड अक्सर शिकार पर परिवार के बच्चों को भी ले जाता है और बच्चे भी बड़ों से ज्यादा दूर नहीं रहते। 100 में से 90 बार तो यही होता है कि जंगली भैंसे शेरों पर जवाबी हमला करके उन्हें खदेड़ देते हैं। परिवार के बड़े भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नन्हे मपोगो और उनके भाई बहन भैंसों के भड़के हुए हमलावर झुंड के बीच फंस गए हैं। जब भैंसे हमला करते हैं तो लगता है जैसे वो सामने खड़ी बड़ी से बड़ी दीवार भी गिरा देंगे और तब शेर भी उनसे दूर भागते हैं। मैंने उन्हें काफी दूर से ही देखा था और मुझे तो लग रहा था कि उन भैंसों के बीच फंसे बच्चे कहीं उनका शिकार न बन जाए। जंगली भैंसों का एक बड़ा झुंड झाड़ियों में छिपे शेर के बच्चों की तलाश में जाता है और जैसे ही कोई बच्चा मिलता है वो उसे उछाल देता है और पैरों तले रौंद डालता है। वो तो उसे अपने सींग से भी गोदने की कोशिश करते हैं, मगर आमतौर पर अपने पैरों से उछालते रहते हैं और फिर उन्हें रौंद कर मार डालते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब स्पार्टा प्राइड के कुछ बच्चे मारे गए थे तब पूरे परिवार में मातम छा गया था। स्पार्टा परिवार के कुछ शेरों को भैंसों ने मार डाला था, मगर 5 नन्हे मापोगो खुशकिस्मत थे जो बच गए। ऐसा लग रहा था कि किस्मत ने इन भाइयों के लिए कुछ और सोच रखा है। अगर वो बच्चे भी मारे जाते तो कभी वो शानदार मापोगो गठबंधन नहीं बन पाता। मिस्टर टी, किंकी टेल, रास्टा, स्कार और प्रिटी बॉय ने हर चुनौती का सामना किया और अपनी जिंदगी का पहला बेहद मुश्किल साल बिता लिया, लेकिन अब उनके सामने आने वाली थी एक नई चुनौती, एक नया खतरा। सन 2003 में स्पार्टा प्राइड के इलाके में एक अनजान शेर घुस आया। जब किसी इलाके में कोई नया शेर आता है तब परिवार के छोटे बच्चों के लिए खतरा बढ़ जाता है। कोई शेर किसी इलाके पर कब्जा जमाने के बाद सबसे पहले हर बच्चे को ही मारता है। मगर नन्हे मापोगो बड़े खुशकिस्मत थे, किसी ने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी, पर घुसपैठिए ने उन बच्चों को नहीं मारा। इलाके में आया नया शेर भी अपनी जान बचाकर भागा था। असल में स्पार्टा शेरनियों और वेस्ट स्ट्रीट के शेरों ने उसे अपने परिवार में शामिल कर लिया था।
हमने जो भी देखा था वो मेरे ख्याल से शायद पहली बार हुआ था। अक्सर होता यह है कि परिवार का दबंग शेर या सरदार बाहर से आए शेर को या तो मार डालता है या उसे खदेड़ देता है, लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि उसके साथ किसी ने ऐसा नहीं किया और उसे बहुत जल्दी अपने परिवार में शामिल कर लिया। मुझे तो लगता है वो शायद उन 5 नन्हे शेरों का सौतेला भाई था, क्योंकि उस वक्त उसकी उम्र करीब 4 साल थी और उनके बाप उसे सिर्फ इस वजह से बर्दाश्त कर रहे थे कि वो भी शायद आसपास के किसी प्राइड में उनकी ही औलाद था। अगले 1 साल में उस नए शेर मखूलू को स्पार्टा प्राइड ने पूरी तरह अपना लिया और वो अब परिवार का सदस्य ही नहीं, उन 5 नन्हे मपोगो शेरों का बड़ा भाई भी बन चुका था। उसी 1 साल के दौरान फील्ड गाइडों ने देखा कि मिस्टर टी और किंकी टेल के बीच जो रिश्ता बचपन में बना था वो अब और ज्यादा मजबूत हो गया था और वो अब हमेशा साथ साथ ही रहते थे। मिस्टर टी ज्यादा दबंग था और किंकी टेल उसका वफादार सिपाह सलार बन चुका था। वो हमेशा मिस्टर टी की मदद के लिए तैयार रहता था। ये भी कह सकते हैं कि वो उसका साथी बन चुका था। वो साये की तरह मिस्टर टी के साथ रहता और हर मुश्किल वक्त पर उसकी मदद भी करता था। उन दोनों के बीच बड़ा ही कमाल का रिश्ता बन चुका था। उन्हें साथ रहना बहुत पसंद था और ये बहुत बड़ी बात थी। मगर नन्हे शेरों की जिंदगी में शांति ज्यादा वक्त तक नहीं रहती। जब वो सहवास की उम्र के हो जाते हैं तब उन्हें परिवार से बाहर कर दिया जाता है और उन्हें अपने बलबूते पर रहना पड़ता है। सन 2004 में 5 नन्हे मापोगो के साथ उनसे 2 साल बड़े मखूलू को भी उनके पिताओं ने अपने प्राइड से खदेड़ दिया। अब ये बेघर बंजारा शेर अपने दम पर जीने को मजबूर हो चुके थे। उन्हें अकेले शिकार करना पड़ रहा था और उनका अपना कोई इलाका भी नहीं था। उनके प्राइड में कोई शेरनी भी नहीं थी और उन्हें लगातार गश्त लगाते दमदार शेरों से भी खतरा बना रहता था। जब ये शेर बेघर बंजारों की तरह रहते हैं तब किसी और वक्त के मुकाबले ज्यादा शेर मारे भी जाते हैं। सबसे अहम बात ये थी कि वो सब अपनी जिंदगी के जिस मुकाम पर थे वहां उन्हें अपनी जिंदगी अपने बूते पर काटनी थी। वो घर छोड़ चुके थे, अब उन्हें अकेले ही मैदान में लड़ना था या मैदान छोड़कर भागना था। मगर वो 6 शेर थे, ये बात उनके लिए बड़ी ही अहम थी। साथ रहने की वजह से ये 6 शेर हर मुश्किल चुनौती का सामना ज्यादा आसानी से कर सकते थे। मापोगो संगठन बन चुका था मगर इन्हें अभी काफी लंबा सफर तय करना था। उसके बाद ही ये इतने बड़े दमदार और दबंग हो सकते थे कि अपना एक नया इलाका तय कर सकें। शुरू शुरू में तो उन्हें पहचानना भी मुश्किल था क्योंकि उन सभी का आयाल निकलना शुरू हुआ था, लेकिन फिर धीरे धीरे वो अपने नाम से पहचाने जाने लगे। सबसे पहला तो था मकुलू, वो सबसे बड़ा था। वो काफी हट्टा कट्टा शेर था, उसका आयाल भी काले रंग का था, बहुत ही सुंदर शेर था। फिर दूसरे को प्रिटी बॉय कहा जाने लगा। वो देखने में बड़ा ही सुंदर शेर था। उसके बाद स्क्यूस्पैन था या जख्म के निशान वाला शेर। उसकी पीठ पर बाएं कूल्हे और रीढ़ की हड्डी के बीच एक गहरा निशान था। चौथे का नाम था रास्टर ऑफ ड्रेडलॉक। उसके आयाल में कुछ फंसा हुआ था जिसकी वजह से वो सचमुच ड्रेडलॉक लगता था। मिस्टर टी,
उस कायाल बहुत ही सुंदर था और छटा था किंकी टेल। ये थे छह मापों को। मापोगो एक स्वाजी शब्द है जिसका मतलब होता है सुरक्षा दस्ता या वो ग्रुप जो साथ में काम करता है। उस वक्त हमें इस बात का एहसास नहीं हुआ था लेकिन आज लगता है कि हाँ वो इसी तरह से काम करते थे। छोटे शेर जब पहली बार घर छोड़ते हैं तो दो समस्याओं का सामना करते हैं। एक तो ये कि छोटी उम्र की वजह से वो ज्यादा समझदार नहीं होते और नर होने की वजह से वो आलसी होते हैं, इसलिए उन्हें अपना पहला शिकार करने में भी परेशानी होती है। मापोगो बंधुओं को इससे पहले कभी किसी बड़े जानवर का शिकार खुद नहीं करना पड़ा था। जीने के लिए उन्हें सबसे पहले तो शिकार करना पड़ेगा। अगले कुछ महीनों तक मापोगो बंधु अपने शिकार के हुनर को तराशेंगे, अपने अंदर हौसला पैदा करेंगे और तब किसी बड़े शिकार पर हमला करेंगे। लेकिन भले ही छह शेर साथ में हैं, फिर भी उन्हें ये सब सीखने में वक्त लगेगा। ये आम तौर पर मौके का फायदा उठाते हैं और जहां भी कोई लाश मिल जाती है ये टूट पड़ते हैं। कई बार ये शेरनियों को भी खदेड़ देते हैं ताकि जल्दी से अपना पेट भर सके। लेकिन जब आसपास कोई दबंग और तेज तर्रार शेर होता है तब इन मापोगो बंधुओं को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। लेकिन वो वक्त भी आ गया जब मापोगो बंधु ऐसे शिकारी बन गए जो उन्हें बनना था। वो भैंसों पर ज्यादा हमले करने लगे थे लेकिन उन्होंने दरियाई घोड़ों को भी नहीं छोड़ा और छोटे गैंडों को भी, और अपने पिताओं की तरह ये भी जिराफ का शिकार करने में कामयाब हो गए। उनकी सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो साथ मिलकर ही शिकार किया करते थे। किंकी टेल एक फॉक्स टेरियर जैसा था और सामने आए किसी शिकार को नहीं छोड़ता था। वो बड़ा तेज तर्रार था, ज्यादातर दौड़ भाग भी वही करता था। मखुलू मापोगो ही ये फैसला लेता था कि उनकी टीम किस शिकार पर हमला करेगी और पहला हमला भी वही करता था। फिर किंकी टेल उस शिकार को दबोचने की कोशिश करता और भैंसे को दबोच लेता था। मिस्टर टी और किंकी टेल हर बार हमले के केंद्र में रहते थे। वो शिकार के वक्त हमेशा सबसे ज्यादा आक्रामक रहते थे। सच तो यह है कि इन शेरों ने भैंसों का शिकार करना सीख लिया था, जो इनकी कामयाबी के लिए बहुत बड़ी बात थी। वो अब काफी बड़े और दमदार हो चुके थे। जैसे जैसे इनका आत्मविश्वास बढ़ा इनमें से एक शेर कुछ ज्यादा ही हौसला दिखाने लगा। किसी शिकार के बाद जब वो उसे खाने लगते थे तो मिस्टर टी अक्सर बाकी सबसे कहीं ज्यादा आक्रामक लगता था। वो किसी भी शिकार को नहीं छोड़ता था, भले ही उसके लिए उसे अपने भाइयों से ही क्यों ना लड़ना पड़ता।
वो उनसे लड़ने से भी नहीं हिचकता था। मिस्टर टी भले ही सबसे छोटा था, फिर भी वो पूरी टीम पर अपना दबदबा बनाने की पूरी कोशिश करता था। लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ी बाधा खड़ी थी। मपोगो बंधुओं में मखोलू के अयाल का रंग सबसे गहरा था और वही उनमें सबसे दबंग भी था। स्याह रंग के अयाल वाले शेर बड़े ही दबंग होते हैं। उनमें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है। जब भी दो शेरों का मुकाबला होता है तब यही माना जाता है कि काले अयाल वाला शेर सुनहरे अयाल वाले शेर को हरा देगा। शुरुआत में तो यकीनन मखोलू ही सब पर हावी था। वही सबका बॉस था। उसने बाकी पांचों को दूर कर रखा था। मिस्टर टी को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। मखोलू के नेतृत्व में ये छह बंजारे शेर आत्मविश्वास से भरे खतरनाक शिकारी बन चुके थे। अब इनका गठबंधन अपने इलाके पर कब्जा जमाने को तैयार था। हमें बहुत बड़ा बदलाव आने की उम्मीद तो थी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर हिंसा होगी ये पता नहीं था। मापोगो बंधु अब अपने पहले इलाके पर कब्जा जमाने को तैयार थे। सन 2006 में मखोलू के नेतृत्व में पांचों भाई प्रिटी बॉय, स्कार, रास्टा, किंकी टेल और मिस्टर टी पूरे इलाके में आतंक मचाने को तैयार थे। ऐसा आतंक जैसा साबी सैंड में पहले कभी नहीं देखा गया था। ज्यादातर फील्ड गाइडों ने तो पहले कभी छह शेरों को एक साथ देखा भी नहीं था। मुझे वो दिन याद है जब मैंने पहली बार साथ में देखा था। उस रोज वो सुबह सुबह झील में पानी पीने आए थे। मैं समझ गया था कि वो पानी पीने जा रहे हैं, इसलिए मैंने अपनी कार उसी हिसाब से वहीं रोक ली थी। कुछ ही देर बाद वो वहां एक एक करके पानी पीने आने लगे और फिर वहां छह के छह शेर साथ में पानी पी रहे थे। मुझे तो आज भी यकीन नहीं आता, ये मेरी आज तक की बेहतरीन फोटो है। हमने सोचा भी नहीं था कि वो छह शेर हमें साथ में दिखेंगे। हमारे लिए ये बहुत ही अस्वाभाविक बात थी। इस तरह के समूह में सबसे अहम बात होती है कि उसका आकार कितना बड़ा है। उसमें अगर 3 से 4 दमदार शेर हो तब इस बात की संभावना ज्यादा रहती है कि वो किसी इलाके पर कब्जा जमा ले, और 6 शेरों का ये समूह तो काफी दमदार था। मापोगो बंधु किसी भी इलाके पर सिर्फ अपने दमखम से ही कब्जा जमा सकते थे, और उनका पहला मुकाबला बड़ा ही अहम साबित होने वाला था। सन 2006 में मापोगो बंधु साबी सैंड के उत्तरी इलाके में पहुंचे, जहां राज था 4 दबंग शेरों का। जब शेर किसी नए इलाके में जाते हैं तो शुरुआत में काफी शांत रहते हैं, मगर ये आंधी तूफान की तरह आए और कहर बनकर टूट पड़े। वो बहुत शोर मचा रहे थे, दहाड़ रहे थे। वहां पहुंचते ही उन्होंने अपने इलाके की हदबंदी शुरू कर दी। उत्तर के शेरों ने अपने इलाके और परिवार की हिफाजत शुरू कर दी। मगर वो मापोगो बंधुओं के सामने टिक नहीं पाए। उन्होंने उन 4 में से 1 शेर को मार डाला और बाकी बचे 3 शेर वहां से भाग खड़े हुए। उन्होंने सामना करने का हौसला भी नहीं दिखाया। वो उनके सामने टिक ही नहीं सकते थे। आखिरकार मापोगो बंधुओं ने काफी बड़े इलाके पर कब्जा जमा लिया।
ये वो इलाका था जहां से वो अपने दबदबे और अपनी ताकत को और बढ़ा सकते थे। जैसे ही उन्होंने अपने पहले इलाके पर कब्जा जमाया, उनका खूनी खेल भी शुरू हो गया। उसी वक्त वो साबित कर चुके थे कि उनके सामने कोई नहीं टिक सकता। अगले एक साल में मापोगो बंधुओं ने अपने सामने आए हर उस शेर को ठिकाने लगा दिया जो उनके लिए खतरा बन सकता था। जब शेर सामने ज्यादा शेरों की तादाद देखते हैं तो वो भाग निकलते हैं, और वहां के शेरों ने भी यही किया, क्योंकि अगर वो पकड़े जाते तो जान से जाते। ऐसा लगता था जैसे 6 गुंडे खून की होली खेलने के लिए यहां आए हों। जैसे जैसे उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा था, उनका इलाका भी बढ़ता जा रहा था। उसकी बड़ी वजह यह थी कि वो दूसरे शेरों को क्रूगर की ओर खदेड़ते जा रहे थे और अपना इलाका बढ़ा रहे थे। किसी भी इलाके पर कब्जा जमाने के लिए सबसे जरूरी है कि उस इलाके में रहने वाले दूसरे शेरों को वहां से खदेड़ दिया जाए। हमें फिक्र थी, उन इलाकों में कई परिवार बसे थे, उनमें बहुत से बच्चे भी थे। उन परिवारों में रह रहे बच्चे 6 से 8 महीने के थे और हम उन्हें अच्छी तरह जानते थे। वो अपने रंग में आने ही लगे थे कि तभी उन्होंने उन पर हमला कर दिया। जब नए शेर किसी इलाके में आकर वहाँ कब्जा जमाते हैं तो सबसे ज्यादा खतरा वहाँ रहने वाले छोटे बच्चों को ही होता है। वो शेर वहाँ सौतेले बाप की भी भूमिका नहीं निभाते और ना ही दूसरे शेरों के बच्चों को पालना चाहते हैं। शेर जब किसी इलाके पर कब्जा जमाते हैं तब वो सबसे पहले तो वहाँ रहने वाले परिवारों के बच्चों को मारते हैं, फिर उस शेरनी को भी जो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए ज्यादा जोर लगाती है। शेरनियां अपने इलाके में किसी नए शेर को देखते ही हरकत में आ जाती हैं। उसके बाद वो अपने बच्चों के करीब आ जाती हैं और फिर दूसरी शेरनियों के साथ मिलकर उस घुसपैठिए शेर का सामना करने की कोशिश करती हैं। अगर बच्चे थोड़े साहसी हुए तो शेरनी उन्हें लेकर कहीं और चल पड़ती है ताकि उस घुसपैठिए से संघर्ष न करना पड़े। अगर बच्चे लाचार और मजबूर हों तो शेरनी को शेर का सामना हर हाल में करना ही पड़ता है। मैं ओटावा प्राइड की निगरानी कर रहा था। उस प्राइड में 3 शेरनियां और 11 बच्चे थे। मापोगो बंधु भी उसी प्राइड की तलाश में थे और उनका उस परिवार से सामना भी हुआ। वो लड़ाई बड़ी ही हिंसक थी क्योंकि शेरनियां हर हाल में अपने बच्चों को बचाना चाहती थीं। उसका गुस्सा बहुत ही जबरदस्त था। शेरनियां अपने बच्चों की जान बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ती हैं। वहां बहुत कुछ हो रहा था, चारों तरफ अफरा तफरी मची थी, हमारी गाड़ी के आसपास काफी हंगामा मचा था। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि एक शेरनी उन शेरों से बचने के लिए हमारी गाड़ी के ऊपर से ही कूद जाएगी। इन सभी मामलों में मापोगो बंधु छोटे बच्चों को मार रहे थे। शेरनियां अपने बच्चों को बचाना चाहती थीं, लेकिन मापोगो बंधु उनके ऊपर भी भारी पड़ रहे थे। एक भड़का हुआ शेर बस एक ही बात सोचता है, दूसरे शेर के बच्चों को मार डालो। ऐसे में उन शेरनियों के पास कोई रास्ता नहीं था। जब मां का सुरक्षा घेरा टूटा,
तब उन खूंखार मापोगो शेरों और ऑटवा प्राइड के छोटे बच्चों के बीच कोई दीवार नहीं रह गई थी। अगर 6 खूंखार शेर किसी के पीछे पड़े हों तो उनसे अपने बच्चों को बचा पाना बहुत मुश्किल होता है, और वो बच्चे तो मजबूर थे, कमजोर थे, वो भला उनके सामने कहां टिक पाते। पूरे ऑटवा प्राइड में मेरे ख्याल से 11 बच्चे थे, उनमें से एक भी नहीं बचा। जब शेर बच्चों का शिकार करते हैं, उनकी जान ले लेते हैं, तब अच्छे अच्छों का दिल दहल जाता है। मैं तो एक बायोलॉजिस्ट हूँ, मुझे मालूम है कि ऐसा होता ही है, फिर भी मैं वो नजारा नहीं देख सकती। बच्चों की मौत के बाद शेरनियां फिर से बच्चे पैदा करने को तैयार होती हैं और वो सहवास करने लगती हैं। मापोगो बंधु भी अपना परिवार बढ़ाने के लिए यही चाहते थे। करीब 3 महीने के दौरान इस इलाके में शेर के जितने भी बच्चे थे वो सब मारे गए और मापोगो बंधुओं ने उन्हें खा लिया। मिस्टर टी और किंकी टेल इस मामले में कुछ ज्यादा ही बेरहम थे और वो दोनों ढूंढ ढूंढ कर एक एक बच्चे को मार रहे थे। अपने पहले ही साल में मारे जाने वाले शेर के करीब 1/4 बच्चे दूसरे शेरों का ही शिकार बनते हैं। ये किसी प्राइड पर कब्जा जमाने का स्वाभाविक तरीका है। हमने अभी तक उनकी जितनी भी कहानियां सुनी हैं, उनसे तो यही लगता है कि मिस्टर टी ही उन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक था। शेरों का ये खून खराबा आमतौर पर बच्चों की मौत के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन मापोगो बंधुओं का गठबंधन इससे बिल्कुल ही अलग था। ऑटवा प्राइड के सारे शेर भाग चुके थे और बच्चे भी मारे जा चुके थे, और अब जल्दी ही ऑटवा परिवार की शेरनियां फिर से बच्चे पैदा कर सकती थीं। मापोगो शेरों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन उफान पर था और सहवास के लिए उनके बीच ही मुकाबला होने लगा था। वो तो इस कदर जोश में थे कि उन शेरनियों की भी जान लेने लगे थे जो उनके साथ सहवास करने को तैयार थीं। जब वो आपस में कोई फैसला नहीं कर पाए तब उन्होंने शेरनी पर ही हमला कर दिया और उसे मार डाला। मैंने सबसे पहले यही देखा कि मिस्टर टी एक शेरनी की पीठ में अपने दांत गड़ा रहा है, फिर वो उसका गला घोंटने लगा। दस से 15 मिनट में शेरनी की जान निकल गई और तब मिस्टर टी उसे खाने की तैयारी करने लगा। सच कहूं तो मापोगो बंधुओं की कुछ हरकतें ऐसी थी जो बड़ी ही अनोखी थीं, जैसे कि शेरनियों को मारना। किसी प्राइड में शेरनियों को मारना, उन शेरनियों को जिनके साथ सहवास करके वो बच्चे पैदा कर सकते थे, ये बात बड़ी अनोखी है और मैंने जंगलों में पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। अगले 1 साल के अंदर मापोगो बंधु एक के बाद एक प्राइड पर कब्जा करने लगे और जो भी शेर उनके लिए खतरा बनता वो उसे मार डालते।
मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई दावे से ये कह सकता है कि मापोगो बंधुओं ने कितने शेरों की जान ली थी। उनकी वजह से शेरों की आबादी भी अचानक कम होने लगी थी। एक बार तो हमें लगा था कि उन्होंने सैबी सैंड में एक ही साल में करीब 100 शेरों की जान ले ली थी। इतने शेरों का मारा जाना छोटी बात नहीं है। ऐसा लग रहा था कि मापोगो बंधुओं के रहते हुए साबी सैंड में कोई भी शेर सुरक्षित नहीं है। मापोगो बंधुओं से जीत पाना नामुमकिन सा था, लेकिन उनके दबदबे को टक्कर मिली उनके गठबंधन के अंदर से। मैंने मिस्टर टी और मखुलू के बीच हुई लड़ाई जैसी लड़ाई कभी नहीं देखी थी। सन 2008 तक मापोगो बंधुओं ने कई दबंग शेरों को मार डाला था और बहुत बड़े इलाके पर कब्जा जमाने में कामयाब हो गए थे। वो इलाका इतना बड़ा था कि उसमें कभी 5 अलग अलग इलाके हुआ करते थे। हमने पहली बार कोई ऐसा गठबंधन देखा था जिसने इतने बड़े इलाके पर कब्जा जमाया हो। जिस इलाके पर उनका कब्जा था उसमें साबी सैंड्स गेम रिजर्व का ज्यादातर हिस्सा शामिल था। करीब 70,000 हेक्टेयर के इलाके पर उनका कब्जा था, यानी 1,60,000 एकड़ से ज्यादा बड़ा इलाका, मैनहट्टन से करीब 7 गुना बड़ी जगह। साबी सैंड्स जैसी जगह जहां काफी बड़ी संख्या में शिकार हो, पानी की कमी ना हो और टक्कर देने के लिए बहुत सारे शेर हो, वहाँ एक छोटे इलाके में ही सीमित रहना ज्यादा अच्छा होता है। सच कहें तो मापोगो बंधुओं ने करीब करीब पूरे साबी सैंड्स पर ही कब्जा जमा लिया था, जो इस बात का सबूत था कि उनका गठबंधन कितना मजबूत था। सारे विरोधियों को खत्म करने के बाद मापोगो बंधु करीब 8 प्राइड पर कब्जा जमा चुके थे। अब वो साबी सैंड के बेताज बादशाह बन चुके थे। मगर उनमें से कुछ तो इतने से भी खुश नहीं थे। आमतौर पर तो हम यही सोचते हैं कि किसी गठबंधन में कोई मतभेद नहीं होता और उसके सभी सदस्य अच्छे तालमेल के साथ काम करते हैं। अक्सर यही देखा गया है कि ऐसे किसी गठबंधन में एक या दो शेर दबंग होते हैं और बाकी उसके सिपहसालार। लेकिन फिर उनके सामने ये सवाल होता है कि वो उस टोली में रहें और दबंगों का हुक्म बजाएं, या फिर उनसे अलग होकर अपनी एक दूसरी टोली बना लें। मिस्टर टी और किंकी टेल तो मानो सिपहसालारी के लिए पैदा ही नहीं हुए थे, वो तो बस राज करना चाहते थे। लेकिन एक शेर उनके रास्ते का कांटा था। मखुलू यकीनन मापोगो बंधुओं में सबसे दबंग था, वो बॉस था। मैंने मिस्टर टी और मखुलू के बीच हुई लड़ाई जैसी लड़ाई कभी नहीं देखी थी। उस लड़ाई में मिस्टर टी ने उसे कड़ी टक्कर दी थी। मखुलू ने उसकी एक टांग दबोच ली थी जिससे मिस्टर टी घायल हो गया था। और उसके बाद ही गठबंधन में दरार पड़ने लगी। मेरे ख्याल से ये भी एक वजह थी कि वो दोनों बाकी चारों को छोड़कर चले गए। ज्यादातर फील्ड गाइडों ने पहली बार 6 शेरों का ऐसा कोई गठबंधन देखा था, लेकिन किसी ने भी सोचा नहीं था कि उस गठबंधन के भी 2 टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन सन 2008 में यही हुआ। मिस्टर टी और किंकी टेल उस वक्त 6 साल के थे और अपनी जवानी के चरम पर वो अपने से बड़े मखुलू के अलावा अपने भाइयों प्रिटी बॉय, रास्टा और स्कार से अलग हो गए
मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन एक गठबंधन अब दो टोलियों में बंट चुका था और दोनों अपने अलग अलग इलाके पर राज करने लगे, पर उनके इलाके भी एक दूसरे के करीब ही थे। पुरानी टोली से अलग होने के बाद मिस्टर टी और किंकी टेल ने अपने पुराने इलाके के उत्तर मध्य के इलाके पर कब्जा जमा लिया, जबकि बाकी बचे चारों शेर पश्चिम में चले गए। सच कहें तो किंकी टेल और मिस्टर टी उस इलाके पर राज कर रहे थे। पहले तो हमें भी ये बात अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन उन्होंने जो किया उसके बाद तो यही लगने लगा था कि ये दोनों वाकई शेर हैं। हम उन शेरों को बचपन से जानते थे और हम उनसे प्यार करने लगे थे। मिस्टर टी और किंकी टेल को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद था। उनके बीच बड़ा ही कमाल का तालमेल भी था। दोनों भाई जैसे नजर आते थे। उस घटना के बाद उनका सामना किसी और शेर से भी नहीं हुआ। वो अपने पुराने साथियों से भी कभी कभी मिलते थे, पर अब उनके इलाके अलग अलग थे। मिस्टर टी और किंकी टेल अब अपना पूरा ध्यान अपने बच्चे पैदा करने पर लगाने लगे थे। अगर बच्चों की देखभाल करने वाले शेरों की एक दबंग टोली साथ हो तो शेरनियां भी खुद को सुरक्षित समझती हैं, क्योंकि वो शेर उनके बच्चों को दूसरे शेरों से बचाते हैं। उस वक्त वहां शेरों के काफी बच्चे थे और मेरे ख्याल से ओटावा और शमूमी प्राइड में कुल मिलाकर करीब 15 बच्चे थे। कई दूसरे प्राइड्स में भी नए बच्चों का जन्म हुआ था और वो मापोगो बंधुओं के अलग अलग इलाकों में रहते थे। इस गठबंधन के बनने के बाद इतनी शांति पहली बार आई थी। उस नई शांति के साथ एक नई चुनौती भी सामने आई, वो थे उनके पिता। शेर आमतौर पर बच्चों के साथ नरमी से पेश नहीं आते, लेकिन मखूलू उन बच्चों के साथ कभी सख्ती नहीं करता था। हमने कई बार देखा कि बच्चे उसकी पीठ पर चढ़ जाते हैं, उसका आयाल खींचते हैं, मगर वो हमेशा शांत ही रहता था। अच्छा पिता बनने के लिए सिर्फ अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेरना ही काफी नहीं होता, उसे पूरे इलाके में गश्त भी लगानी पड़ती है ताकि कोई घुसपैठिया ना आ जाए। शेर अपने इलाके में गश्त लगाते हैं और अपने इलाके की सुरक्षा करते हैं। इसके लिए वो कई तरीके अपनाते हैं, कभी दहाड़ते हैं। तो कभी गंध के निशान छोड़ते हैं। इस तरह गश्त लगाने से वो अपनी मौजूदगी का सबूत देते हैं। ये सब कुछ वो उस इलाके में रहने वाले दूसरे शेरों को ये चेतावनी देने के लिए करते हैं कि ये मेरा प्राइड है, मेरा इलाका है, और अगर तुमने इसके अंदर घुसने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मापोगो बंधुओं के इलाके के पश्चिमी भाग में एक शेर अपनी टोली की सीमा की रक्षा पूरी शिद्दत से कर रहा था। मैंने कई बार मखुलू को बाकी के मापोगो से काफी दूर दूर देखा था। उसे देखकर मैं यही अंदाजा लगा पाया कि वो अपने इलाके की गश्त लगा रहा है। कई बार वो पूरे हफ्ते भर अपने साथियों से दूर रहता था और फिर वापस आकर उनके साथ रहने लगता था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उन्हें बहुत बड़े इलाके की गश्त करनी पड़ती थी और गश्त लगाने का काम वो अक्सर अकेले ही करता था। कई बार हमने उसकी दहाड़ने की आवाज भी सुनी थी और हम उसकी दहाड़ अच्छी तरह पहचानते थे क्योंकि वो बिल्कुल अलग थी। मैंने आज तक किसी शेर को मखोलू की तरह दहाड़ते हुए नहीं सुना।
उसकी दहाड़ बिल्कुल ही अलग थी। एक शेर के तौर पर उसकी दहाड़ बड़ी ही दमदार थी। ज्यादातर शेर तो 45 सेकंड से एक मिनट तक दहाड़ने के बाद चुप हो जाते हैं, लेकिन वो लगातार दहाड़ता ही रहता था। सन 2010 में मापोगो बंधुओं के दखल के बाद 4 साल बीत चुके थे। मखुलू अपने इलाके की सरहदों की सुरक्षा कर रहा था और उसका काम पूर्व में अपनी सरहदों की सुरक्षा कर रहे मिस्टर टी और किंकी टेल से ज्यादा आसान था। उनकी पूर्वी सरहद का ज्यादातर हिस्सा तो क्रूगर नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ था और वहां कई ऐसे बंजारे शेर रहते थे जो मिस्टर टी और किंकी टेल के इलाके के अलावा उनके प्राइड पर भी कब्जा जमाना चाहते थे। जहां भी बंजारे शेर रहते हैं या शेरों की कोई और बड़ी टोली रहती है, वहां हमेशा खतरा बना रहता है, क्योंकि वो हमेशा दूसरे प्राइड पर कब्जा जमाने की ताक में रहते हैं। हमने कई बार देखा कि क्रूगर से कुछ बंजारे युवा शेर उनके इलाके में आ गए, पर हर बार मिस्टर टी और किंकी टेल ने उन्हें अपने इलाके से दूर खदेड़ दिया। वो एक तरह से रक्षाकर्मी जैसे थे, अक्सर दूसरे शेरों का सामना भी वही किया करते थे। दूसरे शेर मखुलू और दूसरे 3 शेरों तक तभी पहुंच सकते थे जब वो किंकी टेल और मिस्टर टी से बच निकले। 2 साल तक मिस्टर टी और किंकी टेल बाहरी घुसपैठियों से लड़ते रहे और ना सिर्फ अपने इलाके को बल्कि पश्चिम में रहने वाले अपने भाइयों को भी बचाते रहे। मगर उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि 5 शेरों का एक और नया गठबंधन बन रहा है जिसे हम आज मजिंगलांग कहते हैं, और वो बहुत धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ रहा था। किसी एक बंजारे शेर का सामना करना एक बात थी, पर 5 शेरों के गठबंधन से निपटना मिस्टर टी और किंग की टेल के लिए भी इतना आसान नहीं था। मजिंगलानीज काफी बड़े, तगड़े, युवा और लड़ने में माहिर शेरों का समूह था। June 8 सन 2010 को मजिंगलान के नाम से मशहूर 5 शेरों की एक टोली साबी सैंड के उत्तरी पूर्वी इलाके में दाखिल हुई। मापोगो बंधुओं के कब्जे के बाद किसी ने उस इलाके में इतनी बड़ी टोली को नहीं देखा था। छह शेरों की टोली मापोगो का मुकाबला कर पाना आसान काम नहीं था, मगर उसमें फूट पड़ने के बाद अब पूर्वी सरहद की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ मिस्टर टी और किंकी टेल की रह गई थी। लेकिन अब मापोगो गिनती में कम थे। 2 भाइयों का मुकाबला 5 शेरों से था। चूंकि उसका नाम मिस्टर टी था और साथ में रहने वाला किंकी टेल था, और दोनों पहले कभी किसी लड़ाई में हारे नहीं थे, इसलिए वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि वो इन हालात का सामना नहीं कर सकते। लेकिन मजिंगलानीज काफी बड़े, तगड़े, युवा और लड़ने में माहिर शेरों का समूह था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। हमें अंदाजा नहीं था कि वो क्या करेंगे। मैं बहुत डर गई थी। वो युवा शेर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। देखकर ही लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, मगर मैंने सोचा नहीं था कि मिस्टर टी आ जाएगा और किंकी टेल भी उसके पीछे ही होगा। मिस्टर टी और किंकी टेल अचानक ही उसके सामने आ गए और करीब 100 मीटर दूर तक उन्होंने उसका पीछा किया। मजिंगलानी के शेर को टोली से अलग करने के बाद मिस्टर टी और किंकी टेल ने उस पर हमला कर दिया।
मिस्टर टी ने पीछे से उसकी गर्दन दबोची और जमीन पर पटक दिया और किंकी टेल सीधे उसकी जांघ पर चढ़ गया। उनके दहाड़ने की आवाजें दिल दहला देने वाली थीं। किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते। मिस्टर टी के चेहरे पर उसने कई वार किए। मुझे याद है वो जवाब देने की कोशिश कर रहा था, पर विरोधी शेर ने मिस्टर टी का कान दबोच रखा था, मानो उसे बाहर खींच लेना चाहता हो। लेकिन वो जब ये सब कर रहा था, तब किंकी टेल लगातार उसके जांघ और उसके पिछले पैरों पर जगह जगह काट रहा था। और वो दहाड़ भी रहा था। दूसरे शेर पर हमला करते वक्त किंकी टेल भी दहाड़ रहा था। उसने अपने दुश्मन को दबोच रखा था और वो दहाड़ रहा था। मैंने पहले कभी ऐसा नजारा ना तो देखा था और ना ही सुना था। मैंने वैसा गुस्सा, वैसा आक्रामक रूप, वैसी ताकत पहले कभी नहीं देखी थी। मजिंगलान भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो भी जवाब में हमला कर रहा था। दो हैवीवेट शेर का सामना एक मिडिलवेट शेर से था और वो हार गया। उस दिन हमें पहली बार पता लगा कि दर्द होने पर एक शेर कैसे कराता है। उनकी लड़ाई देखने के बाद मेरे दिल में बड़ा मिला जुला एहसास था। मैं इस बात से राहत महसूस कर रही थी कि उस जानलेवा लड़ाई में किंकी टेल या मिस्टर टी को ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। घायल किंकी टेल और मिस्टर टी ने दिन भर अपने जख्मों का इलाज किया, जबकि मजिंगलान को उन्होंने सड़क किनारे ही अधमरा छोड़ दिया था। एक बार फिर उन्होंने अपने इलाके की हिफाजत कर ली थी। मैं उस शाम उन्हें देखने गया था। वो अपने बुरी तरह से घायल पंजे को चाट रहा था। शायद उसके पंजे में दुश्मन शेर ने अपने दांत कड़ा दिए थे। रात में खाने के वक्त मैंने जंगल के खुले इलाके और लॉज के आसपास शेर की दहाड़ सुनी। अचानक ही एक रेंजर ने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया और कहा, अपना कैमरा लीजिए और जल्दी से बाहर आ जाइए। जल्दी ही कारीन को पता लग गया कि वो दहाड़ने की आवाज किसकी है। मजिंगलान घुसपैठिए बढ़े चले आ रहे थे। हमने सड़क तक मजिंगलान शेरों का पीछा किया और तब मैं यही सोच रही थी कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये फिर से लड़ने वाले हैं। ऐसा लग रहा था कि मजिंगलानी शेर बदला लेने आ रहे हों। उन्होंने हमसे थोड़ी दूरी बना ली थी और हमें उनके करीब पहुंचने के लिए तेजी से भागना पड़ रहा था। एक जगह हम उनसे थोड़ा पीछे रह गए। हमें धूल के बादल दिख रहे थे और उनकी दहाड़ें और गुर्राहट सुनाई दे रही थी। अचानक ही जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि उनमें से कौन किस टोली का है। करीब जाने पर हमने देखा कि वो एक मापोगो ही है और चार मजिंगलान शेरों ने उसे दबोच रखा है। हमें जल्दी ही पता लग गया कि उन चारों ने किंकी टेल को दबोच लिया है। वो बुरी तरह घायल था, पर भागने के लिए पूरा जोर लगा रहा था। Thank you.
वो बड़े ही खतरनाक तरीके से हमला कर रहे थे। मैंने उस तरीके का हिंसक हमला पहले कभी नहीं देखा था। फिर वो उस बेचारे की चीर फाड़ करने लगे। उनमें से एक शेर उसके पिछले पैरों के बीच उसके जेनिटेलिया पर हमला कर रहा था, उसकी नर्म अंडरबेली पर। फिर अचानक ही हमने एक तेज आवाज सुनी, मानो कहीं गोली चली हो। वो आवाज रीढ़ की हड्डी टूटने की थी। ढेर सारा खून, और उस घटना को अपनी आंखों से देखने के बाद हम बुरी तरह से दहल उठे थे। वो गंध, वो आवाज, वो नजारा, वो सब कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मगर तभी वहां जाने कहां से मिस्टर टी आ गया। वो अचानक ही बाहर आया था और उसने एक तरफ से एक मजिंगलान पर हमला कर दिया। किंकी टेल बुरी तरह से घायल था, मगर इस बात से भी मिस्टर टी अपने भाई को बचाने से नहीं रुका। उसने दो मजिंगलानी शेरों पर हमला कर दिया। वो अपने भाई की मदद तो कर रहा था, पर जानता था कि वो कुछ कर नहीं पाएगा। तब वो अपनी दुम दबाकर भाग निकला। जिन दो शेरों ने किंकी टेल को पकड़ रखा था, वो अभी भी उसे नोच खसोट रहे थे। फिर वो उसे छोड़कर उसके भाई मिस्टर टी के पीछे भागे। पकड़े जाने पर मिस्टर टी का भी वही हाल होता जो उसके भाई का हुआ था। किंकी टेल बड़ी गहरी सांसें ले रहा था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। वहां भीषण सन्नाटा छाया था। हम उस शेर को बचाना चाहते थे, पर हमारे चाहने से कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि हम उनकी लड़ाई के बीच नहीं कूद सकते थे। हम वहां कुछ कर ही नहीं सकते थे। मिस्टर टी वहां से भागने में कामयाब रहा, लेकिन मजिंगलानी शेर अपना अधूरा काम खत्म करने लौट आए थे। वहां पहुंचने के कम से कम 10 मिनट पहले से हम उनके लौटने की आवाज सुन रहे थे। फिर कुछ दूरी पर हमें वो आते हुए नजर आए। वो समझ गए थे कि वो अब उसके ऊपर हावी हो चुके हैं और वो घायल भी है। वो इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता और उन्हें उससे कोई खतरा नहीं है। वो उसे वहीं खत्म कर सकते हैं। उस वक्त हम समझ चुके थे कि अब किंकी टेल को कोई नहीं बचा सकता। उसकी मौत तय है। किंकी टेल को उस हालत में देखना मेरी जिंदगी का सबसे बुरा अनुभव था। मेरे लिए सबसे मुश्किल था उन रेंजर्स की प्रतिक्रिया देखना। वो बहुत ज्यादा उदास थे। उस घटना ने उनके दिल पर बड़ा गहरा असर किया था। मैंने शाम के वक्त किंकी टेल की मौत की खबर सुनी और तब मैं बहुत रोया था। वो मेरा सबसे पसंदीदा शेर था और मैं उसे बहुत पसंद करता था। उसकी मौत ने मुझे हिला दिया। अगले दिन सुबह सुबह रेडियो पर बहुत से लोगों ने ये खबर सुनी और वो सब भी गहरे सदमे में थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था और उस वक्त कई लोगों की आंखों से आंसू भी छलक आए थे। Thank you.
अगली सुबह हम सभी लॉज से निकल आए। हम ये जानना चाहते थे कि कल रात असल में क्या हुआ था। वहां पहुंचकर जो हमने देखा वो बहुत ही चौंका देने वाला नजारा था। हमने देखा कि एक लकड़ बग्घा और दो ब्लैक बग सियार किंकी टेल की लाश को चाट पोंछ कर साफ कर रहे थे। वो खत्म हो चुका था। इतने खूबसूरत और शानदार शेर की सिर्फ हड्डियां ही बची थी। मुझे सबसे ज्यादा दुख ये देखकर हुआ कि एक ब्लैक बैक सियार वो अयाल लेकर भाग रहा था जो कभी एक बड़े ही खूबसूरत शेर की शान था। उसके बाद तो किंकी टेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। अपने भाई की मौत के बाद जख्मी मिस्टर टी को पश्चिम की ओर जाते हुए देखा गया था। मिस्टर टी मान चुका था कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। वो उस इलाके पर राज नहीं कर सकता, उस इलाके की हिफाजत नहीं कर सकता। मिस्टर टी समझ चुका था कि उसका सबसे बड़ा सहयोगी, उसका भाई, उसका दोस्त, वो जो उसके लिए कुछ भी कर सकता था, वो अब नहीं रहा। उसे यह एहसास भी हो चुका था कि अब वो उस इलाके पर अकेला राज नहीं कर सकता। मिस्टर टी ने सोच लिया था कि वो अपने पुराने गठबंधन के भाइयों के पास लौट जाएगा। हमें करीब 2 साल तक मिस्टर टी नजर नहीं आया और फिर अचानक एक सुबह वो हमसे करीब 80 से 100 मीटर दूर खड़ा था। वो दूर से ही अपने भाइयों को देख रहा था। मखुलू और उसके पश्चिम के गठबंधन के दोस्त अब बाप बन चुके थे और उन्हें अपने बच्चों की हिफाजत करनी थी। मखुलू अच्छी तरह से जानता था कि अगर कोई बाहरी शेर उसके इलाके में आ गया तो क्या अंजाम हो सकता है। भले ही मिस्टर टी कभी उसके भाई जैसा था, लेकिन अब वो एक घुसपैठिया ही था। मिस्टर टी किसी तरह से मजिंगलानी शेरों से बच निकला था, उन शेरों से जिन्होंने उसके भाई किंकी टेल को मार डाला था और उसके पूर्व के इलाके पर कब्जा जमा लिया था। अब वो पश्चिम की ओर जा रहा था जहां मखुलू और बचे हुए मापोगो बंधुओं का राज था। हिंसक मिस्टर टी की वजह से ही साबी सैंड का आज तक का सबसे बड़ा गठबंधन टूट चुका था। अब उसकी वापसी पर उसके भाइयों की क्या प्रतिक्रिया होगी? मखुलू मापोगो को मिस्टर टी की वापसी पर खुशी नहीं हुई थी, मगर वहां के बाकी तीनों मापोगो ने उसे कबूल कर लिया था। ये बड़ी अच्छी बात थी कि इतने दिनों के बाद भी उसके 4 पुराने साथियों ने उसकी वापसी को स्वीकार लिया था। फील्ड गाइड इस बात से बड़े खुश थे कि मिस्टर टी को बिना खून खराबे के स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन मिस्टर टी तो मिस्टर टी था। वो ना तो उसके प्राइड थे, ना ही उसके बच्चे। हमें लगा था कि मिस्टर टी भी उस टोली के बच्चों को अपना लेगा, पर उसने ऐसा किया नहीं। हम में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, और हम उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। कुछ ही दिनों के बाद उसने टोली के बच्चों को मारना शुरू कर दिया। वो
वो हमेशा टोली के बच्चों की ताक में रहता और जैसे ही कोई बच्चा नजर आता वो उसे मारकर खा जाता। सबसे दिलचस्प बात तो ये थी कि उस टोली के दूसरे शेर इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। उनमें से ज्यादातर बच्चे मिस्टर टी के भतीजे या भतीजियां थे, मगर उसके भाई उसके कत्लेआम को रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। मिस्टर टी उस पर कब्जा जमाकर उसमें रहने वाली शेरनियों के साथ सहवास करना चाहता था, लेकिन उस टोली के बच्चे उसके रास्ते में बाधा बन रहे थे, इसलिए उसने बड़ी बेरहमी से उन्हें ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। अब पश्चिम में सत्ता पलट चुकी थी, मिस्टर टी नया राजा बन चुका था। एक बार फिर से मिस्टर टी लौट आया था और उसने बच्चों को मारने के बाद फिर से अपना दबदबा बना लिया था, और उसके बाद हमें अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मेरे ख्याल से सबके मन में यही था कि कुछ बुरा ही होने वाला है। अगले 2 सालों में मजिंगलानी शेरों ने मापोगो के करीब करीब पूरे इलाके पर कब्जा जमा लिया। घुसपैठियों ने मिस्टर टी और किंकी टेल के ज्यादातर इलाके और उनके प्राइड पर कब्जा कर लिया था और उनके सारे बच्चों को मार डाला था। काफी दिनों तक युद्ध विराम रहा, पर इस दौरान इस गठबंधन की किस्मत खराब ही रही, क्योंकि अब प्रिटी बॉय और रास्ता भी गायब थे। सबको यही लग रहा था कि उन्हें मजिंगलानी शेरों ने मार डाला है। एक वक्त वो भी था जब इस दमदार मापोगो गठबंधन का साबी सैंड पर राज था, लेकिन अब वहां उनकी पहचान तक मिटने वाली थी। अब सिर्फ 3 मापोगो ही बचे हुए थे, मखुलू और मिस्टर टी के अलावा सिर्फ स्कार बचा था। 6 साल तक मापोगो बंधुओं ने साबी सैंड पर राज किया था। जंगलों में शेर ज्यादा से ज्यादा 12 साल की उम्र तक बचे रह पाते हैं। मिस्टर टी 10 साल का था और स्कार 12 का, तो मखुलू 14 साल का। उनकी उम्र बढ़ रही थी, विरोधी सिर उठाने लगे थे, ऐसे में उनका अंत करीब ही था। March 16, 2012 को 5 शेरों का एक और गठबंधन दक्षिण से मापोगो बंधुओं के इलाके में दाखिल हुआ। उस गठबंधन का नाम था सिलाटीज। एक रोज सुबह सुबह हम कहीं जा रहे थे, तभी हमने अपनी कार रोक दी और एक आवाज सुनने लगे। हमने दहाड़ने की आवाज सुनी थी और वो आवाज करीब 100 मीटर दूर से आ रही थी। फिर हम निशानों के सहारे आगे चल पड़े। ये तो साफ जाहिर था कि सिलाटीज असल में मापोगो बंधुओं के पीछे पड़े हैं। वो युवा और दमखम वाले थे, वो अभी जवानी में कदम ही रख रहे थे, इसलिए वो किसी से भी लड़ने को तैयार रहते थे। उन्होंने एक मापोगो को बाकी सबसे अलग कर दिया था, मगर वो कौन था इसके बारे में हमें मालूम नहीं था। एक उम्रदराज शेर को इतने युवा शेरों का सामना करने में बहुत परेशानी होने वाली थी।
मगर इसके बावजूद एक मापोगो अपने बचे खुचे इलाके की हिफाजत करने से नहीं रुका। जब मैं मौकाए वारदात पर पहुंचा तब तक मिस्टर टी पर हमला हो चुका था। आखिरी मापोगो सम्राट अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था और वो अकेला था। उसकी रीढ़ की हड्डी पर बड़ा गहरा जख्म लगा था। उसके पिछले पैरों के ठीक ऊपर और उसका पिछले पैरों से नीचे का पूरा शरीर अपाहिज हो चुका था। इसकी वजह से उसकी ओर बढ़ रहे चारों शेर बड़ी आसानी से उसे अपना शिकार बना सकते थे। वो उसे मारने के लिए बड़ी चालाकी भरी रणनीति अपना रहे थे। उनमें से एक उसका ध्यान बटाता और उनका दूसरा साथी पीछे से उसकी रीढ़ की हड्डी पर हमला कर देता। उन्होंने उसे गिरा दिया और करीब 15-20 सेकंड तक उसे बुरी तरह से नोचते खसोटते रहे। उसके बाद वो रुके और वहां से चल पड़े। मगर कुछ ही देर बाद वो फिर से लौटे और एक बार फिर से वही खूनी खेल शुरू हो गया। मिस्टर टी उस वक्त अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था। मुझे याद है वो मेरी तरफ देख रहा था। वो जिस तरह से उन शेरों का मुकाबला कर रहा था और इतने बुरी तरह से घायल होने के बावजूद अपनी जान बचाने के लिए उन शेरों से जिस तरह से लड़ रहा था, उसी से पता लगता है कि वो कितना शानदार शेर था और कितना जिगर रखता था। मिस्टर टी पर हमला करने वाले चारों शेर लगातार दहाड़ रहे थे। वो संकेत था उनके कब्जे का। उन्होंने अब इस इलाके पर अपनी दावेदारी का बेखौफ ऐलान कर दिया था और दुनिया को बता रहे थे कि वो इलाका अब उनका है, वो यहां के राजा हैं। वो नजारा बड़ा ही चौंकाने वाला था। हम घबरा भी रहे थे, दंग भी थे और हमें अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। अपनी रीढ़ पर बने बेहद गहरे जख्मों की वजह से वो जांबाज शेर शांत पड़ गया था और जमीन पर सिर के बल पड़ा था। अगले पंजे आगे की ओर फैले थे और पिछले दोनों पैर किसी काम के नहीं थे। वो उन जख्मों से उबर नहीं सकता था। मिस्टर टी का वो आखिरी दिन था और उस रोज उसकी मौत तय थी। मैं अपने भाई के साथ वहीं खड़ा था और हमने उसे आखिरी सांसें लेते देखा था। इस तरह से एक युग को खत्म होता देख किसी की भी रूह कांप जाएगी और मैं तो बस यही दुआ करता हूं कि अब कभी ऐसा नजारा देखने को ना मिले। मापोगो बंधुओं की कहानी का अंत बड़ा ही दुख भरा था। मैं तो यही मानता हूं कि मिस्टर टी एक शेर की तरह जिया और उसकी मौत भी एक जांबाज शेर जैसी ही हुई। अपने इलाके की हिफाजत के लिए वो अपनी सीमा के कहीं पार निकल गया था और अंत में बेचारा उसकी हिफाजत करते मारा गया। मापोगो बंधुओं ने 6 साल तक राज किया था और उतनी मारकाट पहले किसी ने नहीं देखी थी जितनी उनके दौर में हुई थी।
मगर अफसोस उनका अंत भी बड़े हिंसक तरीके से हुआ। मखुलू और स्कार आखिरी बचे मापोगो थे। वो अब काफी उम्र दराज हो चुके थे और चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए थे। ऐसे में बस एक ही रास्ता था, वो साबी सैंड से चले जाएं। अब मापोगो वहां कभी नजर नहीं आएंगे, मगर आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद की किरण बाकी है। मापोगो बंधुओं के बच्चे आज भी जिंदा हैं और वो ओटावा प्राइड के साथ रह रहे हैं। उनमें से तीन तो बड़ी शेरनियां हैं और दो तरुण शेर भी हैं। मैं तो यही चाहता हूं कि उनका बाप मखुलू मापोगो कुछ महीने और उनके साथ रहे। सच तो यह है कि सिर्फ उसके ही बच्चे मिस्टर टी के कत्लेआम से बच गए थे, और मेरे ख्याल से ईश्वर ने यहां इंसाफ किया था। मैंने मापोगो बंधुओं के बारे में जितना सुना है उससे तो यही कह सकती हूँ कि वो बड़े ही अलग किस्म के शेर थे। भले ही एक इंसान होने के नाते हमें उनका व्यवहार हैवानियत भरा लगे, मगर सच तो यही है कि वो बेहतरीन शेर थे। छह मापोगो बंधुओं ने वही किया था जो जंगल में जीने के लिए शेरों को करना पड़ता है, और ये खूबी उन्होंने अपने बच्चों को भी दी थी। मगर उनके बच्चे तो उनसे भी आगे निकल गए। उन्होंने नए इलाकों पर कब्जा करने के लिए नए नए तरीके अपनाए, और उसके लिए उन्होंने जितनी मार काट की उतनी हिंसा साबी सैंड में पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। शेरों की जिंदगी का एक स्याह पहलू भी होता है जिसकी झलक बहुत कम ही मिल पाती है। वो प्यारे होते हैं, शानदार होते हैं, उनकी जिंदगी शाही होती है, पर बेहद मुश्किल होती है, खतरों से भरी। मगर मापोगो बंधुओं ने हमें दिखाया कि असली शेर किसे कहते हैं।